हाय गाइस, आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर विथ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सेंटेंसेस। दीज आर सम सेंटेंसेस, दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और कैसे सुनते हैं, कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। जो सेंटेंस की इंग्लिश आज आपको बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं, ये तो होना ही था, अपने वहम को दूर करो, मैंने ये कभी नहीं कहा, आपके दिमाग में क्या था, आज रात यहाँ आराम करो, इसे मत मिटाना, खाने का लुत्फ लो, मच्छरों के कारण मलेरिया होता है, तुम कहाँ खो गए, वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, वह हृदय रोगी है, मैंने एक इंद्रधनुष देखा और दूध पका दो। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, देखते हैं इनको एक एक करके किस प्रकार से इनको हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ये तो होना ही था, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेंटेंस है It was bound to happen। ऐसा ये तो होना ही था, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। जो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है वो हमारा लिखा हुआ है कि अपने बहन को दूर करो, अपने वहम को दूर करो। तो यदि किसी चीज़ के बारे में आपकी गलत फहमी होती है तो इसको बोलते हैं क्लेरिफाई योर मिसकंसेप्शन। इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि चूंकि आपने ऐसा कहा था इसलिए मैंने किया और अंत में ये गलत हुआ, तो आप कहना चाहते हैं कि भाई मैंने ये कभी नहीं कहा, तो इसको बोलेंगे आई नेवर सेड दिस, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जब वह मुझे बता रहा था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। तो यदि कोई पूछना चाहता है कि आपके दिमाग में क्या था, तो इसको बोलेंगे व्हाट वाज इन योर माइंड। आपके दिमाग में क्या था, यदि आप पहले बता देते तो हम लोग उसे अकॉर्डिंग करते। कई बार कोई मेहमान हमारे यहाँ आते हैं तो हम बोलते हैं, और वो जब जाने के लिए बोलता है तो हम बोलते हैं आज रात यहाँ आराम करिए, तो टेक रेस्ट हियर टुनाइट, मतलब आज की रात को टुनाइट बोलते हैं। इसे मत मिटाना, जब कभी भी कोई चीज़ लिखी होती है बहुत अच्छी होती है तो लोग जनरली बोलते हैं कि इसे मत मिटाना, इसको बोलेंगे डोंट वाइप आउट इट। जब लोग खाना खाते रहते हैं और तभी किसी चीज़ पे बहस चलने लगती है और बहुत ज़्यादा लोग बोलने लगते हैं तो बोलते हैं बहस मत करो, खाने का लुत्फ लो, यानी खाने का आनंद उठाओ, तो इसको बोलते हैं एंजॉय द मील। मील मतलब दोपहर का भोजन या भोजन। मच्छरों के कारण मलेरिया होता है, इट इज़ वेल नोन फैक्ट, या सभी कोई जानते हैं कि जो मच्छर होते हैं उनके कारण बीमारियां फैलती हैं, तो इसको बोल सकते हैं मच्छरों के कारण मलेरिया होता है, मॉस्किटोज कॉज मलेरिया, मच्छरों के कारण मलेरिया होता है। जब किसी भी व्यक्ति के पास सामने बैठे रहते हैं और हम कुछ बोलते हैं वो नहीं सुनता है, अपने कुछ सोचता रहता है, तो हम बोलते हैं तुम कहाँ खो गए, तो इसको बोलेंगे वेयर हैव यू लॉस्ट, तुम कहाँ खो गए हो, वेयर हैव यू लॉस्ट। तो
इस प्रकार से हो भी जोड़ देंगे ये। डियर फ्रेंड्स, व्हेन एनी पर्सन स्पीक्स इंग्लिश विथ गुड प्रोनंसिएशन एंड ट्राई, तो हम उसको बोलते हैं कि वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, तो समझ में आ जाता है, तो हम बोलेंगे ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है। डियर फ्रेंड, जब किसी की कोई बीमार होता है या कोई तबीयत ख़राब होती है, कुछ दिनों के बाद मिलता है और हम कहना चाहते हैं कि अब आपको कैसा लग रहा है, और आप कहना चाहते हैं मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो उनको लेंगे आई एम फीलिंग मच बेटर, मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग मच बेटर, अब मैं, वह हृदय रोगी है। डियर फ्रेंड्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस पीपल हैव, यदि किसी को हार्ट का पेशेंट है तो बोलेंगे ही इज हार्ट पेशेंट। डियर फ्रेंड्स, रेनी सीजन के बाद या कि बरसात की ऋतु में जब पानी गिरता है उसके बाद धूप निकलती है तो आसमान में धनुष के आकार के 7 रंग बन जाते हैं, उसको बोलते हैं इंद्रधनुष। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेनबो। तो मैंने एक इंद्रधनुष देखा जिसको बोलेंगे आई सा अ रेनबो। और दूध पका दो। डियर फ्रेंड, जब कभी भी हम दूध लेके आते हैं तो उसको बहुत देर रखने के लिए बोलते हैं दूध पका दो, उसको बोलेंगे बॉयल द मिल्क। तो डियर फ्रेंड्स, यू कैन से दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंसेज, इंटरेस्टिंग सेंटेंसेज एंड इजी टू लर्न इफ़ यू रीड अगेन एंड अगेन दीज सेंटेंसेज। यदि इनको आप बार बार पढ़ते हो, बार बार सुनते हो या बार बार लिखते हो, तो आप भी इन सेंटेंसेज का यूज कर सकते हो। देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक। ये तो होना ही था, इट वॉज बाउंड टू हैपन। अपने बहम दूर करो, क्लेरिफाई योर मिसकंसेप्शन। मैंने ये कभी नहीं कहा, आई नेवर सेड दिस। आपके दिमाग में क्या था, व्हाट वॉज इन योर माइंड। आज रात यहाँ आराम करो, टेक रेस्ट हियर टुनाइट। इसे मत मिटाना, डोंट वाइप आउट इट। खाने का लुत्फ लो, एंजॉय द मील। मच्छरों के कारण मलेरिया होता है, मॉस्किटोज काज मलेरिया। तुम कहाँ खो गए हो, वेयर हैव यू लॉस्ट। वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग मच बेटर। वह हृदय रोगी है, ही इज़ हार्ट पेशेंट। मैंने एक इंद्रधनुष देखा, आई सा अ रेनबो। दूध पका दो, वाइल द मिल्क। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस के द्वारा आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकते हैं। आई होप को आपको इस प्रकार की ये वीडियो पसंद आया हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।